ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहां हमारे शहर लगातार आग का गोला बनते जा रहे हैं और पहाड़ों में हमारे ग्लेशियर लगातार पिघलते जा रहे हैं, वहीं एक महान योगी, एक महान आत्मा गंगोत्री धाम में रहे हैं या उच्च हिमालयी क्षेत्र में रहे हैं, जिन्होंने लगभग 60 वर्षों के अपने करियर में या 60 वर्षों की अपने लाइफ, तो उनकी 94 वर्ष की थी, 60 वर्ष तक उन्होंने हिमालय को दिए और हिमालय में दुर्लभ जो जगहें थी उनके फोटो खींची और इसके माध्यम से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दुनिया को देने की कोशिश की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महान प्रकृति प्रेमी, हिमालय के योगी, आयुर्वेद के विशेषज्ञ, एक महान फोटोग्राफर और साथ ही साथ पर्वतारोही स्वामी सुंदरानंद जी के बारे में। स्वामी सुंदरानंद जी नेल्लौर आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। 1926 में इनका जन्म हुआ और ये 1948 में आ जाते हैं गंगोत्री क्षेत्र में। यहाँ पे ये देखिए स्वामी सुंदरानंद जी की समाधि बनी है, इसमें ऊपर फोटो है और नीचे उनकी समाधि है। और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे तपोवन कुटी। तपोवन कुटी मतलब जहाँ स्वामी जी ने अपनी पूरी जीवन साधना यहीं करी। ये देखिए ये स्वामी सुंदरानंद जी की तपोवन कुटी है, इसमें एक तरफ स्वामी सुंदरानंद जी हैं, दूसरी तरफ उनके गुरु महाराज तपोवन जी हैं। इसके अलावा ये बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, यही है उनकी फ़ोटोज़ का संग्रह है, यानी कि आर्ट गैलरी, जो कि तपोवन आर्ट गैलरी के नाम से जानी जाती है। इस वीडियो में आपको भर भर के जानकारी मिलने वाली है दोस्तों, तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको ज़रूर इसका बेनिफिट होगा। स्वामी सुंदरानंद हिमालय के योगी या इन्हें फोटो बाबा के नाम से भी पूरे वर्ल्ड वाइड जानता है और यहाँ इन्होंने एक भव्य जो है आर्ट गैलरी बना रखी है और उसके साथ ही यहाँ पहले लाइब्रेरी देखिए स्वामी सुंदरानंद जी की। लाइब्रेरी में दुर्लभ इन्होंने धर्म ग्रंथों का जो संग्रह है वो किया हुआ है, आप देख सकते हैं स्वामी सुंदरानंद जी महाराज हैं और ये उनके गुरु स्वामी तपोवन जी महाराज हैं, जो कि उनके गुरु थे और इनके नाम पे ही वर्तमान में जो गौमुख से आगे है एक जगह का नाम तपोवन रखा गया है। चलिए हम अब आपको दिखाते हैं स्वामी सुंदरानंद जी महाराज की जो आर्ट गैलरी है, जिसका नाम जो है तपोवन हिरण्य गर्भ कला दीर्घा रखा गया है। और इन्होंने अपने जीवन में कुल तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा फ़ोटो खींची हैं, जिसमें से कि 1 लाख के करीब इन्होंने अपनी कला दीर्घा में हैं वर्तमान में। और इन्होंने अपनी फ़ोटो के माध्यम से, जो इन्होंने फोटोग्राफी की है उसके माध्यम से दुनिया को बताना चाहा है कि हिमालय का संरक्षण कैसे किया जाए, और या ये भी बताया इन्होंने कि जो यात्री किसी कारण गंगोत्री आते हैं और इसके ऊपर का हिमालय नहीं देख पाते, वो सुंदरानंद जी की फ़ोटोज़ के माध्यम से, उनकी क्लिक की हुई फ़ोटोज़ के माध्यम से हिमालय दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ से ऊपर के जो गंगोत्री से ऊपर के जो ग्लेशियर्स हैं उन्हें देख पाएंगे। चलिए हम चलते हैं उनकी कला दीर्घा में और देखते हैं कि कैसे कैसे फोटोज उन्होंने अपनी क्लिक की हैं। इनके एक कर्मचारी हैं हमारे नयन सिंह नेगी जी, ये हमें कला दीर्घा घुमाएंगे और बताएंगे जो महत्वपूर्ण फोटोज हैं उनकी, और उनकी सारी फोटोज से भी हमें रूबरू करवाएंगे। नेगी जी चलिए दिखाइए हमें। सबसे पहले जो हमारे महाराज जी थे वो माउंटेनर थे, ये इन्होंने कोर्स किए नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से। देखो ये NIM से जो कोर्स है उसका सर्टिफिकेट है ये महाराज जी का। और उसके अलावा ये इनकी फोटोज का संग्रह, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बगल में महाराज जी की फोटो है, और इसके अलावा ये पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के साथ भी उनकी फोटो है। ये उन्होंने अपनी ये यहाँ पे, ये तो वो है सूर्यकुंड है। हाँ नेगी जी बताइए आप। चलिए ये महाराज जी का शायद पेट का कोई ऑपरेशन, पेंक्रियाज में ऑपरेशन का हुआ था, उन्होंने अपनी फोटो किसी से क्लिक करवाई और यहाँ जो है गैलरी में लगवा दी। इसके अलावा ये देखिए, चलिए ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चित्र उन्होंने अपने कैमरे से लिया है। और ये गौमुख की फोटो है। हाँ
ये कितने साल पुरानी है ये बता दीजिए? ये कम से कम 7-8 साल पुरानी है ये वाली फोटो। हाँ, 7-8 साल पहले उन्होंने अपने कैमरे से जो है बहुत क्लोज उसका लुक लिया है। और ये उच्च हिमालय क्षेत्र की ये फोटो है, और इसके बारे में बताओ ना ये वाला। ये मेरे ख्याल से ये लिखा है इसमें कि इन्होंने हिमालय में 1965 में, ये सिक्किम की कोई फोटो है। ये फोटो बाबा ने चतुरंगी ग्लेशियर की खींची है। ये बादलों के बीच में ओम है, इसकी परछाई पानी में है। अच्छा, एक सेकंड मैं देख लूं नेगी जी। ये देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, ये चतुरंगी ग्लेशियर है, एक बद्रीनाथ के नजदीक है, वहां बाबा महाराज जी ने इसकी फोटो खींची अपने कैमरे से। और इस फोटो की खासियत यह है कि झील में ओम का दृश्य जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दरअसल बादलों के बीच बना ओम का प्रतिबिंब है, ये देख सकते हैं आप। और नेगी जी इसके बारे में बताएंगे, ये वायरल हुई थी कुछ ये पूरे विश्व में प्रचलित हुई थी ये फोटो। अच्छा, बहुत बढ़िया नेगी जी। ये जो है लगभग 17,000 फीट में, कौन सा है ये? अंतहीन आकाश में, ये ठीक चतुरंगी हिमनदी गौमुख से आगे चतुरंगी ग्लेशियर पड़ता है जी। कालंदी पास से डाउन, वो ये क्या बोलते हैं उससे आगे केदार ताल साइड की। चलिए ठीक है, चलिए चलो। ये तपोवन पीक है, शिवलिंग पीक बोलते हैं इसको, ये तपोवन है। अच्छा, ये शिवलिंग का तपोवन की, ठीक ठीक, ये तपोवन का है। अच्छा चलिए इसके आगे, ये बाबा की कुटिया है, ये जो बर्फ फिर लगतक है इस टाइम शीतकाल में है शायद। हाँ, बाकी चलो 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 चलो। ये माँ गंगा की फोटो है। अच्छा, ये माँ गंगा की जो मूर्ति है उसकी फोटो बाबा ने अपने कैमरे से ली है। चलिए बाकी, ये सरस्वती है। हाँ, इनके बीच में मेरु पर्वत है। अच्छा, ये मेरु पर्वत है, तपोवन से बैक साइड में दिखता है। अच्छा अच्छा अच्छा, शिवलिंग पीक से पीछे। अच्छा ठीक है ठीक, मेरु पर्वत। चलिए नहीं, इसके साथ साथ तपोवन महाराज जी की फोटो। अच्छा, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ जो है, जो महाराज स्वामी सुंदरानंद जी थे उनके गुरु जी पूजनीय तपोवन जी महाराज, एक कमरे में अलग उन्होंने उनकी कुटी बना रखी है। और ये तपोवन जी महाराज हैं, ये उनकी मूर्ति है, ये बना रखी है। ये आर्टिफिशियल है ना या ये नेचुरल है? नहीं, नेचुरल है। अच्छा, ये नेचुरल है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये दूसरी मंजिल में हम आ गए हैं इसके, और हमारे साथ नयन सिंह नेगी हैं और प्रभात चौहान जी हमारे सहयोगी। चलिए नेगी जी, ये देखिए, ये जो फोटोज दिख रही हैं ये सब स्वामी सुंदरानंद जी ने अपने कैमरे से क्लिक की थी। और इसमें से आपको ज्यादातर हिमालयी क्षेत्र के दिखेंगे। ये देखिए महाराज की फोटो, ...2002 में उनकी पुस्तक हिमालया थ्रू ए लेंस ऑफ ए साधु का विमोचन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, जिस समय की उनकी फोटो है। और इस पुस्तक में लगभग 450 के करीब उनकी हिमालय क्षेत्रीय फोटोज हैं। और ये भारत सरकार के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रशंसा पत्र महाराज जी के नाम, ये है। और इसके अलावा ये फोटो, चलिए इनमें जो महत्वपूर्ण है वो नेगी जी हमें बता देंगे। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आपको सारी फोटो नहीं दिखा रहे, कुछ कुछ फोटो ही दिखा रहे हैं, और जो उनमें से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके बारे में हमारे नेगी जी बता ही रहे हैं। जी 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 नेगी जी, ये फोटो। हाँ, बासुकी ताल से आगे कालंदी बेस की है। अच्छा, ठीक है, कालंदी बेस की है। इस पर्वत को पार करने से पास हो जाता है तो आदमी बद्रीनाथ चले जाता है। अच्छा, ये कालंदी पास के पास, ठीक ठीक ठीक, ये पास की है। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, ये महाराज जी ने सब अपने, ये कालंदी पीक है। अच्छा, ये कालंदी पीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मित्रों, ये सारी फोटोज वो हैं जो आपको इस गैलरी के अलावा संसार में कहीं भी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ हैं। चलिए नहीं चलते हैं, जो ऐसा लगेगा आपको बताना है। हाँ, ये हमारी भागीरथी नदी यहीं से शुरू हुई है, भागीरथी पीक है। अच्छा,
कोने में दिख रही वन है, ये बीच में थ्री है, ये वाली टू है। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ से जो भागीरथी नदी है वो उत्पन्न होती, मतलब गौमुख के आसपास है। अच्छा, ये सीरियल से आप देख सकते हैं जो सबसे ऊंची चोटी दिख रही है ये भागीरथी टू है, उसके बाद भागीरथी थ्री है और लास्ट में जो है भागीरथी वन है, ये यहाँ पे लिखा भी है, हमारे नेगी जी बता रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। स्वामी सुंदरानंद 6 दशक से भी ज्यादा समय गंगोत्री में रहे और उन्होंने जो गंगोत्री ग्लेशियर है अपने आंखों से कम 5 से 6 किलोमीटर पीछे खिसकते हुए देखा है। ये देखिए कितने शानदार फोटो उन्होंने किसी बाबा की खींची है, जो कि बहुत लंबे लंबे बाल हैं। ये देखिए कितने प्यारे फोटो है। ये देखिए ये गढ़वाली परिधान यानी इसे बुलाक कहते हैं, जो एक वृद्ध महिला ने पहना हुआ है, ये उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में पहनने वाला एक आभूषण है। ये नथ है जो महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से, ये गंगा जी की जन्मभूमि गौमुख है। अच्छा ठीक है, ये देखिए ये गौमुख का नेगी जी बता रहे हैं, बताइए नेगी जी। ये गंगा जी की जन्मभूमि है, गौमुख है, ये यहाँ से नदी प्रकट हो रही है, ये पीछे पूरा ग्लेशियर है इसका। अच्छा, ये पूरा ग्लेशियर का पहाड़ है, ये जो चट्टान से आप देख सकते हैं ये ग्लेशियर है बर्फ का, और यहां से गंगा जी का उद्गम होता है। ठीक है, ये सूर्य नारायण के दर्शन होते हुए शिवलिंग पीक। अच्छा, शिवलिंग पीक है। ठीक है ठीक है, ये जब भागीरथी अपने पूर्ण वेग में होती है बरसात के समय, ये सूर्यकुंड है। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण फोटो है, ये 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तो उस समय का, ये देखिए उस समय उत्तरकाशी जो कि आज लगभग 50,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है, उस समय मात्र तकरीबन 20 से 30 घर यहां पे थे। चलिए नेगी जी, ये हिमालयी क्षेत्र के दुर्लभ पुष्प जिनकी फोटो स्वामी जी ने अपने कैमरे में कैद की है, इनमें से जो है ये नील कमल है, और ये देखिए पुष्प, ये ब्रह्म कमल है। हाँ, ये ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। इसमें तीन होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन एक पेड़ पे तीन लगते हैं। अच्छा, इसके बहुत बड़ा महत्व होता है, ये बड़े भाग्य और किस्मत वाले को मिलती है ये चीजें। हाँ, ये ब्रह्म कमल है भगवान विष्णु के मंदिर यानी कि भगवान बद्रीनाथ में ब्रह्म कमल को ही चढ़ाया जाता है। ये यही है नेगी जी ना जी। हाँ, ये फोटोज महाराज जी ने स्वयं खींची है। चलिए, ये विभिन्न विभूतियों द्वारा महाराज जी को समय समय पर जब सम्मानित किया गया, ये उनकी फोटोज हैं। ये देखिए ये नारदत्त तिवारी जी, ये भी हैं कोई। और इस फोटो के बारे में मुझे याद आया इस फोटो को देख के कि स्वामी सुंदरानंद जी योग और प्राणायाम में इतने निपुण थे कि वे 300 प्रकार के मुद्राएं कर सकते थे। ये अमरनाथ गुफा के पास एक बाबा की फोटो, ये देखिए ये कौन सी मुद्रा है, ये तो ऐसी है कि बाबा रामदेव भी नहीं कर पाते होंगे ऐसा। ये रात्रि के समय उत्तरकाशी का दृश्य, ये ग्लेशियर का एक टुकड़ा है जी। गौमुख का ये भी। अच्छा, ये गौमुख में ग्लेशियर का टुकड़ा है एक। हाँ ठीक है, और नेगी जी ये केदार ताल का है। अच्छा, ये केदार ताल का है ऊपर वाला, केदार ताल। अरे वाह, बहुत शानदार। ठीक है,
ये खुद स्वामी सुंदरानंद जी हैं जो कि 23 दिसंबर 2020 को अपना शरीर इन्होंने त्याग कर दिया। ये तपोवन कुटी की लाइब्रेरी है और हमारे साथ यहाँ के मैनेजर विशाल जी हैं। विशाल जी, आप बताएं हमें कि जो स्वामी जी की ऑटोबायोग्राफी है या फिर उनकी जो लिखी हुई किताब है, ये क्या नाम, हिमालया थ्रू ए लेंस ऑफ ए साधु, सर इसके बारे में बताइए कुछ आप अपने उससे। अच्छा, स्वामी जी यहाँ पे पहली बार 1947 में आए अपने गुरु तपोवन, गुरु की खोज में जी। तो तब उनको गुरु तपोवन महाराज मिले जी, वो उनको अपना गुरु धारण कर लिया, गुरु बनाया उन्होंने, धारण कर लिया जी। तो सन 47 से लेकर 2020 तक जी 73 साल स्वामी जी रहे यहाँ पे। कितने साल सर? 73 साल जी। स्वामी जी को पहले से प्रकृति के साथ काफी लगाव था जी। जी, उन्होंने प्रकृति में ईश्वर देखा जी, और वो काफी मतलब पर्वतारोहण वगैरह में भी रुचि रखते थे। सर उन्होंने मतलब जड़ी बूटियों का उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज था कि उन्हें, उनको प्रकृति के साथ लगाव होने के वजह से और पर्वतारोहण करते करते उनको जड़ी बूटियों वगैरह का भी जी जी नॉलेज आ गया जी, और उनके बारे में उनको मतलब खास लगाव भी रहा जी। और सर इसके इस किताब के बारे में बताइए कि जो ये किताब है उनकी, इसके बारे में मतलब क्या है इसमें? अभी ये कहते हैं कि स्वामी जी ने तकरीबन अपने पूरे 60-70 सालों के यहाँ रहने के अंतराल में तकरीबन 1 लाख से अधिक पिक्चर वैसे खींचे थे जी सर। उसमें से कुछ तो यहाँ पे कला में लगे हुए हैं जी जी जी, मंजिलों पे, और उनसे भी अलग सटकर पिक्चर इस वाली किताब में है जो सर ये किताब जो कि 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनका इसका विमोचन किया था। अच्छा, तो ये किताब ऐसी अलग है कि वो पर्वतारोही थे, इसीलिए बहुत ही उच्च हिमालय के मतलब जो तस्वीरें दुर्लभ तस्वीरें जो अन्य फोटोग्राफरों को हासिल नहीं होते जी जी जी, वो है इस किताब में जी। और अन्य जो कहते हैं इस फॉर्मेट की किताबों को बोलते हैं कि कॉफी टेबल बुक, तो कॉफी टेबल बुक्स में जनरली क्या होता है कि सिर्फ तस्वीरें होती हैं, लिखाई बहुत कम होती है। अच्छा, इस वाले किताब में तस्वीरों के साथ ही बहुत ही अच्छी नॉलेज है, उन्हें एक्सप्लेन किया गया, विवरण भी बहुत ही अच्छा अच्छा बहुत ही बहुत है। सर मैंने ये भी पढ़ा है उनके बारे में कि स्वामी जी ने तकरीबन 25 से 30 जो हिमालय क्षेत्र की चोटियां हैं उन्हें मतलब एक तरह से क्लाइम किया था। बिल्कुल, उन्होंने काफी शिखरों को पर विजय हासिल किया, और उन्होंने उनका नाम ऐसे हुआ था कि लोग यहाँ पे आकर उनको गाइड के हिसाब से ऊपर ले जाना चाहते थे। अच्छा, तो उन्होंने भी वो उस चीज को सेवा के माध्यम से उन लोगों की सेवा की। हाँ, और उन्होंने अपनी आत्मकथा में खुद लिखा हुआ है कि गौमुख तपोवन वाले रास्ते तो वो तकरीबन 108 बार तो उन्होंने गिनती की कि मैं 108 बार गया हूँ, उसके बाद उन्होंने गिनती करना छोड़ दिया। 108 बार गौमुख से तपोवन, पूरे गौमुख तपोवन वाले रास्ते। अच्छा अच्छा, वो तो 108 बार तक तो उन्होंने गिनती की जी जी जी, उसके बाद उन्होंने गिनती करनी छोड़ दी, मतलब उससे भी कई अनगिनत मतलब अनगिनत बार उन्होंने जो है यहाँ से लेके। और यहाँ के लोग जानते हैं कि कालिंदी खाल जो है, जो कि यहाँ से गंगोत्री से जो बद्रीनाथ का रास्ता जाता है पहाड़ों से ऊपर जी जी जी, वो वाला रास्ता भी स्वामी जी ने बहुत कई बार उन्होंने जो है वहां से चढ़ाई करी है जी। और सर एक चीज मुझे मैंने और पढ़ी कि वो प्राणायाम भी बहुत करते थे और प्राणायाम का उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज था। मैंने ये भी पढ़ा कि लगभग 300 वो आसन कर सकते थे, सर कुछ आपके बारे में आपको इसके बारे में? उनको वो देखिए 94 साल तक रहे हैं, तो वो उनकी फिट रहने के पीछे का रहस्य तो सबसे बड़ा वही होगा कि वो योगासन काफी करते थे, प्राणायाम वगैरह, अपने अपने श्वास पर उनका काफी मतलब नियंत्रण था जी जी। तो उसके वजह से तो उनको बिल्कुल ही मतलब बहुत फायदा हुआ होगा अपने अपने रोज की जिंदगी में भी, और अपने आयु में भी, अपने स्वास्थ्य में भी, और यह पर्वतारोहण करने में। चलिए सर, विशाल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज पहले मेरे दिमाग में एक और आ गई कि मैंने ये भी पढ़ा उनके बारे में कि क्या सच में ये सच है कि उन्होंने 1962 की जब इंडो चाइना वॉर हुई थी तो उसमें उन्होंने इंडियन आर्मी को सपोर्ट किया था और इंडियन आर्मी के लिए गाइड का काम किया था? बिल्कुल, 1962 से पहले मतलब तकरीबन 10-15 सालों के पहले से स्वामी जी का वास रहा इन क्षेत्रों में, तो वो पहले से ऊपर जाया करते थे। तो जब वॉर की जब समस्या हुई तो जब भारतीय सैनिक जब पहुंचे यहाँ पे तो स्वामी जी को पहले से ही इस सारे क्षेत्र का ज्ञान था जी जी, जिसके वजह से वो काफी मतलब आर्मी को गाइडेंस दे सके उस वक्त जी जी जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।